आज का विषय है आपको थोड़ा कुछ मुद्दों पर मुझे समझाना है, बात करना है, और दूसरी बात कि आपकी भूमिका क्या है। मैं अलग से भूमिका नहीं बताऊंगा, जब मैं बात करूंगा उसी में वो चीजें आएंगी, लेकिन मैं निश्चित तौर पर इस मंच से आपको यह बात कहना चाहता हूं, आज आपकी भूमिका बहुत बड़ी है आदिवासी समाज को बचाने के लिए। आज आदिवासी समाज जिस गर्त में है, उस समाज को ना हमारे पिता लोग बचा सकते हैं, ना हमारे युवा बचा सकते हैं, लेकिन वो आप हैं, माताएं हैं, वही आदिवासी समाज को बचा सकती है। ये अपना जो है कि साड़ी में गांठ बांध लीजिए उस बात को। अब देख रहे हैं क्या हालत है हमारे समाज की। अधिकांश पुरुष लोग क्या कर रहे हैं, हड़िया दारू पी के जमीन बेच के जो है कि कहां है कुछ पता नहीं चलता है। अधिकतर युवा जो है कि भटके पड़े हैं, वो भी उसी में है। क्या आप उनसे उम्मीद कर सकते हैं समाज बचाने के लिए? आपने आज तक परिवार को संभाल के रखा, आप देखते होंगे अगर घर घर में अगर कोई महिला की मृत्यु हो जाती है कि मां की मृत्यु हो जाती है, तो पिता जो है कि बच्चों को संभाल नहीं सकता है, जल्दी से दूसरा शादी कर लेता है, लेकिन पति मर भी जाए तो आप लोग माता लोग जो है कि दूसरा शादी नहीं करती, आप परिवार को संभालती है। जो मैं बात कह रहा हूं उसका पुख्ता ये उदाहरण है, यदि आप परिवार से बाहर निकल के आ जाएंगे तो हमारा पूरा समाज जो है कि बच जाएगा। सोचिए इतना भीड़ है यहां पर, सभी माताएं अगर सोच ले कि हमें जो है आदिवासी समाज को बचाना है, अब इसके लिए क्या करना है, पहला कदम जो है वो समझना पड़ेगा। आज का जो मुद्दा जैसे कहा गया सामाजिक और सांस्कृतिक है, लेकिन मैं हमारे समाज की मुख्य चीजें जो है सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक, ये पांच पिलर को अगर एक साथ ठीक से नहीं ले जाएंगे, ठीक नहीं करेंगे, तो हमारा समाज अभी बचने की स्थिति में नहीं है। पहला जो हमारा सामाजिक पिलर है, उसका बड़ा काम यह है, सबसे बड़ा चुनौती अभी सामने आया है कि हम अपनी पहचान को कैसे बचाएंगे। हमारी पहचान क्या है? हमारी पहचान है हम आदिवासी हैं, भारत के प्रथम निवासी हैं, लेकिन जो बाहर से आए हैं वो आज क्या कर रहे हैं? आपको मैं स्मरण दिलाना चाहता हूं, सुप्रीम कोर्ट ने 5 जनवरी 2011 को कैलाश बनाम आने और महाराष्ट्र सरकार नामक केस में फैसला देते समय इस बात को लिखा कि देश के प्रथम निवासी और मालिक आदिवासी हैं, और देश का बाकी 92% लोग बाहर से आए हुए आक्रमणकारी या व्यापारियों के संतान हैं। आप उस जजमेंट को उठा के देख लीजिए। लेकिन यही बाहर के से आए आक्रमणकारी और व्यापारी लोग आज क्या कर रहा है? आदिवासी अस्मिता को, आदिवासी पहचान को बर्बाद कर देना चाहता है। मैंने एक छोटी सी किताब, ऐसे बहुत सारी किताबें हैं, आदिवासी पहचान क्या है समझना चाहिए, आज हम लोग समझना नहीं चाहते हैं। इसमें दो चीजें देखने की जरूरत है। आपको मालूम होगा अखबारों के माध्यम से आरएसएस पूरे देश में अभियान चला रहा है, और मैं यहां खुले तौर से यहां से कहना चाहता हूं, अभियान चला रहा है, उसने घोषणा कर दिया है 2021 का जनगणना में सारे आदिवासियों को हिंदू लिखवाया जाए। कैंपेन चल रहा है, उनके कार्यकर्ता घर घर जा रहे हैं, आदिवासियों के घरों में जा रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि तुम जो है कि जनगणना के लिए जब सरकारी कर्मचारी आएंगे उसमें अपना धर्म हिंदू लिखो। पूरे देश में क्यों ऐसा कर रहे हैं? उसका दो लॉजिक है। एक तो वो कह रहे हैं कि हमारी जनसंख्या घट रही है, तुम लोगों को दिखाने के लिए, लेकिन असली मकसद क्या है? असली मकसद है वो आदिवासियों का पहचान को खत्म करके आदिवासियों को वर्ण और जाति व्यवस्था में डाल देना चाहते हैं, ताकि हम इस देश का प्रथम निवासी होने का दर्जा को खो देंगे।
छोटी मोटी बात नहीं है, ये षड्यंत्र आज से नहीं चल रहा है। आपको मैं बताना चाहता हूं, जब संविधान बनाया गया, पहला मसौदा आया संविधान में, तो पहला मसौदा में लिखा गया था अनुच्छेद 13(3) में, ये अनुच्छेद 13(5) में आदिवासी शब्द हिंदी में, और अंग्रेजी में लिखा गया था अबोरिजिनल। 1 दिसंबर 2048 को जब मरा मुंबे जापान से मुंडा संविधान सभा की मीटिंग में उपस्थित नहीं थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आए और उन्होंने प्रस्ताव किया कि आदिवासी शब्द को संविधान से खारिज कर देना चाहिए, हटा देना चाहिए। उस दिन संविधान से आदिवासी शब्द को हटा दिया गया। 2 दिसंबर 1948 को जब मरणमुंडे जयपाल सिंह मुंडा हाउस में आए तो उन्होंने सवाल उठाया, उन्होंने कहा मैं जो है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से जानना चाहता हूं कि उन्होंने क्यों हम आदिवासी शब्द को संविधान से हटाया। हमारा पहचान को जाके पहचान में तलवार डाल दिया गया 1 दिसंबर 2048 को, आपको याद होना चाहिए। आज हम लोग जमीन बचाने की बात करते हैं, बिसावन के खिलाफ लड़ रहे हैं। यदि संविधान में अबोरिजिनल शब्द होता, यदि संविधान में आदिवासी शब्द होता, तो इस देश में सरकार की ताकत नहीं होती कि यूएन जाके कहने के लिए कि आदिवासी नहीं है इस देश में। इस देश के लोगों की आरएसएस की ताकत नहीं होती आदिवासियों को वनवासी और वन बंधु कहने की। क्या लिखा गया संविधान में हमारे आदिवासी शब्द के बदले में? अनुसूचित जनजाति। अंग्रेजी शब्द उठा के देख लीजिए, अंग्रेजी में क्या लिखा है? शेड्यूल ट्राइब। दुनिया का कौन सा डिक्शनरी है मुझे बताइए, दिखाइए, जहां पे शेड्यूल ट्राइब का हिंदी ट्रांसलेशन अनुसूचित जनजाति होता है। उसका हिंदी ट्रांसलेशन अनुसूचित जन होना चाहिए, लेकिन हमें वर्ण और जाति व्यवस्था में घुसाने के लिए वहां से जो है कि जन के साथ जाति शब्द डाल दिया गया और हम लोगों को जाति सर्टिफिकेट बांटा जा रहा है और मांगा जाता है नौकरी और बाकी समय में। हम लोगों को जन्म प्रमाण पत्र में ही लिखा जाना चाहिए ये मुंडा समुदाय से है, खड़िया से, उरांव से, वगैरह वगैरह। हम लोग वर्ण और जाति व्यवस्था में नहीं आते हैं, हम लोग का अपना सामुदायिक व्यवस्था है। लेकिन इसी को खत्म करने के लिए जिस दिन हम आदिवासी लिखना बंद कर देंगे, उस दिन ये जो बाहर से आए हुए लोग हमारे नाम पर वनवासी लिखेगा, वन बंधु लिखेगा, और इस देश में जो है कि वो बोलेगा इस देश का हम असली निवासी हैं। ये छोटी मोटी बात नहीं है, हमारे पहचान का अस्मिता का सवाल है। लेकिन कितने एमएलए और एमपी इस बात को उठाते हैं देश में, हमारा विधानसभा में, लोकसभा में? हमें इस बात को समझना पड़ेगा। पहचान से दूसरी चीज जुड़ी है, हम खुद कितने जो है कि जागरूक है। आप देख लीजिए आपके बाल बच्चा जो युवा है, युवतियां हैं, अपना गोत्र छुपाते हैं, नहीं बोलना चाहते हैं। जिनका जो है कि थोड़ा बहुत सांवला है, गोरा गोरी हो सकते हैं, वो अपना रंग और जो है कि रूप को रगड़ रगड़ के रोज दिन चेंज कर रहे हैं, हेयर एंड लवली, फेयर एंड लवली कहें, हेयर स्टाइल कहें, बाल आयरन कर रहे हैं, सब कुछ कर रहा है। क्यों ऐसा कर रहा है? उसको आदिवासी समाज से नफरत हो गया, उसको आदिवासी समाज नहीं चाहिए। उसको क्या चाहिए? आदिवासी का आरक्षण चाहिए, उसको आदिवासी का जमीन चाहिए, लेकिन वो आदिवासी बात बोलना नहीं चाहते हैं, आदिवासी दिखाना नहीं चाहते हैं। जब आप खुद अपना समाज से नफरत करेंगे तो दूसरा की आपका समाज से प्यार करेगा। गैर आदिवासियों ने साइकोलॉजिकल गेम खेला है, उनको जब पता चल गया है उनको आदिवासी इस देश के असली निवासी हैं, इनको वहां से अगर बेदखल करना है, अपनी पहचान से अलग करना है, उनकी भाषा से, संस्कृति से, जमीन से, इलाका से अलग करने है, तो क्या करना होगा? इनके मन में नफरत डालो अपने समाज के प्रति। ये अपनी भाषा से नफरत करेंगे, ये अपना संस्कृति से, समाज से, रंग से, रूप से, अपना इलाका से नफरत करेंगे। उसके लिए क्या बोलो? बोलो कि तुम्हारा जो है कि तुम थर्ड क्लास का आदमी हो, तुम जंगली हो, तुम असुर हो, तुम शैतान हो, तुम पिछड़ा हो, गरीब हो, तुम मुख धारा में नहीं हो। यही कह कह के हम लोगों को सारा चीज से बेदखल कर रहे हैं ये लोग, और हम ऐसा हो गए कि हम अपने समाज से नफरत कर रहे हैं। क्या आप इसको रोक सकते हैं? क्या आप अपने बच्चों को ये सच्चाई को बता सकते हैं? यही तो आपकी भूमिका है।
आदिवासी पहचान का सच्चाई को बताना। क्या हमें शर्म महसूस होना चाहिए आदिवासी होने के लिए या हमें गर्व महसूस होना चाहिए? बाहर से आए हुए लोग बोल रहे हम इस देश का देशभक्त है, और जो आदिवासी इस माटी का है वो इस माटी से नफरत करता है कि हम आदिवासी नहीं रहना चाहते। कई बाबाओं को मैं ये बोलते सुना, वो कहते हैं मुझे बहुत चाहिए, गोली होगी उसी को शादी करेंगे बेटा के लिए। तो मैं कहता हूं जितना आपने सावली और काली बच्चा बेटी पैदा किया सबको कमर में डालो तभी ना गोली बहू मिलेगी। तो जाइए घर आदिवासी के साथ से शादी करिए, सबको गोरी गोरा गोरी चाहिए। हम लोग बहुत ही क्राइसिस के दौर से गुजर रहे हैं। हम लोगों को गैर आदिवासियों ने मानसिक गुलामी का शिकार बना दिया है। हम लोगों को मानसिक रूप से गुलाम बना दिया। आपके पास जितना भी बिल्डिंग हो, गाड़ी हो, बैंक बैलेंस हो, लेकिन आप मान लीजिए कि आप मानसिक गुलामी का शिकार हो रहे हैं। अब देखिए ना, आप हर चीज से गैर आदिवासियों से तुलना करते हैं। उनके पास गाड़ी है, आपके पास गाड़ी होना चाहिए। उनके पास बैंक बैलेंस है, आपके पास बैंक बैलेंस होना चाहिए। उनके पास बिल्डिंग है, आपके पास बिल्डिंग होना चाहिए। और सब कुछ करने के बाद बच गया सुबह में अगर वो कुत्ता घुमा रहा है तो आपको भी कुत्ता घुमाना है, तभी आप सब होंगे ना। तो शहर में रहने वाले हमारे लोग भी कुत्ता घुमा रहे हैं आजकल सुबह सुबह, नहीं घुमा रहा है। तो सोच में बदलाव अगर नहीं लाएंगे तो यह है कि हमारा समाज नहीं बचेगा। सोच में बदलाव लाइए। आप उस समाज में पैदा लिए हैं जो समाज समानता भरा है, जहां पे जाति आधारित भेदभाव नहीं है। आप क्यों उस समाज का नकल करते हैं जो वर्ण में विभाजित है, जो जातियों में विभाजित है, जो एक दूसरे को नफरत करता है, भेदभाव करता है? क्या वो समाज आपके लिए मॉडल होना चाहिए? तो पहला बदलाव इसी में होगा, आदिवासी पहचान। हम भारत के प्रथम निवासियों के संतान है, गर्व से कहना होगा हम आदिवासी हैं। दूसरा जो है कि सामाजिक जो कुरीतियां है, नशापन, जिस पर थोड़ा बहुत बातें हो रही, आज हरियादारों का शिकार पूरा समाज हो रहा है। आप में से कितने लोग ऐसे हैं, ईमानदारी पूर्वक हाथ उठाइएगा, आप में से कितने लोग हैं जो हरियादारों से प्रभावित है, हाथ उठाइए। कितने लोग किसी ना किसी रूप में प्रभावित है आप लोग? नहीं है, बहुत कम लोग हाथ उठाए। शर्म की बात नहीं, सही है, ईमानदारी से हाथ उठाए। अगर प्रभावित है आप लोग बात करूंगा, नहीं तो नहीं करूंगा। शायद आप लोग बहुत सारे लोग संकोच भी कर रहे होंगे कि मैं हाथ उठा दूंगा तो उठा दूंगी तो बगल वाला जो है कि देख लेगी तो कैसे होगा, मजाक हो जाएगा। देखिए ये आज बहुत बड़ा जो है कि समस्या है, सामाजिक समस्या, जिसका समाधान आपको करना पड़ेगा। क्योंकि आपने मुझे उस भूमिका के बारे में बात करने के लिए कहा है। बहुत सारे मान लोग जब मैं मिलता हूं वो लोग बताते हैं कि मेरी बेटी जो है कि नौकरी कर रही है, उसका उम्र गुजर रहा है, कोई लड़का है तो बताओ, इतना घूमते रहते हो, नए पीने वाला नहीं मिलेगा तो थोड़ा पीने वाला चलेगा, थोड़ा पीने वाला टूर चल के मैं घूमता रहता हूं, किधर मिलेगा, कौन सा मशीन लेके घूमो, टेस्ट करो लड़का लोगों की काम पीता है। समस्या है, बहुत बड़ी समस्या है। आपको यहां से संकल्प लेना चाहिए, इतनी सारी महिलाएं अगर एक साथ तय कर लेंगी सप्ताह में एक दिन कि हर शनिवार को पीने वालों के लिए हम लोग खाना नहीं बनाएंगे, हो सकता है कि नहीं? आपने अगर कोई ऐसा अभियान किया है, शुरू किया ना, पूरा क्रांति हो जाएगा। हर दिन में एक सप्ताह जो जो पीता है ईमानदारी से आपके मोहल्ला में, आज खाना हम लोग नहीं बनाएंगे, घोषणा कर दीजिए, पीना आप लोग छोड़िए तब बनाएंगे, किसी के लिए नहीं बनाने हैं, खाना बनाने हैं, बच्चा को भी जाने दीजिए, कोई बात नहीं, पीने वाला खुद बनाएगा तो आप सप्ताह भर घोषणा कर दीजिए कि हम बनाएंगे नहीं। देखिए आपको कहीं ना कहीं कई जगह ऐसे नहीं कि आप कह रहे कि आपने नहीं किया इसलिए ऐसा लगता है। तोड़पुर में मैंने देखा एक एक गांव में, अभी नहीं, अभी से 10 साल पहले, 12 साल पहले, 2006-07 के आसपास
पूरा गांव की महिलाएं घोषणा कर दी कि हम लोग कुछ नहीं करेंगे, जितना भी था हरियाणा में सबको फोड़ दिया। आजकल बहुत सारी महिलाएं खुद जो है कि बेच रही हैं, उनको लगता है यही हमारा अर्निंग है, सोर्स है, मर जाएंगे। हमें याद होना चाहिए जब हमारे पूर्वज हड़िया दारू नहीं बेचते थे तब जीते थे कि नहीं जीते थे। मैं ये नहीं कह रहा हूं, बहुत सारे लोग कहेंगे कि ये तो संस्कृति है, हम भी कहते हैं संस्कृति है, लेकिन क्या संस्कृति बाजार में बिकती है? संस्कृति है उसको घर में रखिए। पर्व त्योहार हुआ, शादी विवाह हुआ, ठीक है, लेकिन ये बाजार आजकल सभी जगह दो दो बाजार लग रहा है। पूरा समाज को हम लोग बर्बाद कर रहे हैं, इसका असर दिख रहा है। आज देखिए, जब 1928 में ओलंपिक हुआ, आपको मालूम है उस समय देश का हॉकी टीम का कैप्टन जापान से मुंडा थे। आज देश में, देश का हॉकी टीम में कितना आदिवासी खेल रहा है? मात्र एक। क्यों ऐसा हुआ? छोटा सा हड़िया पिएंगे तो कुछ चलना रहेगा, दौड़ पाएंगे? बहुत सारे लड़के इंडियन हॉकी टीम में खेल रहे, लड़के नहीं खेल रहे, ये दिख रहा है। शादी के लिए बहुत सारे लड़कियां जो है कि तैयार है, उनको जोड़ी नहीं मिल रहा है। इस मुद्दा को आप इस इशू को कैसे एड्रेस कीजिएगा, इस सवाल को कैसे एड्रेस कीजिएगा? तो ये जो है कि आपको करना पड़ेगा, आप नहीं करेंगे तो कोई नहीं करेगा। तीसरा जो है, इसी सामाजिक मुद्दे पर एक बड़ा मसला जो हमारा कि बड़े पैमाने पर आदिवासी लड़कियां गैर आदिवासियों के पास जा रही हैं, गैर आदिवासी समाज में जा रही हैं। ये छोटा मोटा समस्या नहीं है। मैं जब जाता हूं PISS मुंबई में है, वहां भी मैंने लड़का लड़कियों से, आदिवासी लड़का लड़कियों से मीटिंग किया, JNU वगैरह जितने भी बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन है देश में, जहां आपके बच्चे पढ़ने के लिए गए हैं, लड़कियां खासकर लड़के भी, अब देख लीजिए ये लोग क्या कर रहे हैं। वो सीधा वो कहते हैं कि आदिवासी लड़कियां कहती हैं कि आदिवासी लड़का से हम लोग शादी नहीं करेंगे क्योंकि ये लोग बहुत पीता है, ये सिक्योरिटी नहीं है, वगैरह वगैरह। वो अच्छे नहीं दिखते हैं, स्मार्ट नहीं दिखते हैं, क्यों ऐसा कहते हैं? क्योंकि उनको बचपन से आपने नहीं बताया तो उनके दिमाग में सुन सुन के आदिवासी पिछड़ा गरीब अनपढ़ जंगली जाहिल सुन सुन के उनको अपने समाज से नफरत हो गया। और हम लोग भी कई परिवार में मैं देखता हूं आपस में कैसे बात होता है हम लोग का, धर्म के नाम पे जब शादी की बात होती है तो हम लोग खुद कैथलिक हैं तो GL और CN और दूसरे क्रिश्चियन लोगों को नहीं देंगे बेटी, उसी तरह वो लोग भी बोलेंगे कैथलिक है तो नहीं देंगे, GL वाले बोलेंगे CN ही चलेगा, CN बोलेगा GL चलेगा लेकिन कैथलिक नहीं चलेगा, लेकिन कौन चलेगा? सारे दिक्कों लोग चलेंगे, बिहारी बंगाली सब चलेगा। तो इस समाज को आप क्या करेंगे, ऐसे समाज को? तो आप लोगों को भी दिक्कों दमा बहुत अच्छा लगता है, नहीं लगता है? गोरा चिट्टा स्मार्ट गाड़ी से आ रहा है, बुलेट से घुमा रहा है, सोचना पड़ेगा। आप सोचिए जब पूरा क्रीमी लेयर जो पढ़ा लिखा समाज थोक के भाव से समाज छोड़ के आदिवासी समाज में जा रहा है तो हम लोग बचेंगे? एक बेटी सिर्फ नहीं जा रही है, बेटी गैर आदिवासी समाज में गई, उसके साथ नौकरी भी आरक्षण कर गया, उसके साथ साथ जमीन भी दिया, कितना लिंक है। आप धीरे धीरे गैर आदिवासी समाज का जो कूड़ा है, मैं कूड़ा बोलता हूं स्पष्ट रूप से, वो कूड़ा हमारे समाज में आ रहा है। मैं कभी कभी दंग रह जाता हूं यह सोचकर कि कैसा आदिवासी समाज की लड़कियां हैं, इतना अच्छा आजाद भरा समाज, सामुदायिकता समाज, जहां पे लड़का लड़की में कोई भेदभाव नहीं है, वो आजाद स्वतंत्र समाज को छोड़ के दूसरे समाज में गुलाम बनने जा रही है, कहीं घूंघट ओढ़ने जा रही है, कहीं बुर्का पहन रही है। मैं दूसरा समाज का अपमान नहीं कर रहा हूं, लेकिन ये सोचना है। लोग जो है कि गुलामी छोड़कर आजादी की ओर आते हैं, आदिवासी समाज आज जो है आजादी छोड़कर गुलामी की ओर जा रहा है, ये आपको सोचना पड़ेगा। क्यों जा रहा है? क्योंकि गाय आदिवासियों ने हमारा दिमाग को गुलाम बना दिया है,
इस गुलामी से अगर आप मुक्ति नहीं पाएंगे तो धीरे 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 आदिवासी समाज नहीं बचेगा, आदिवासी नाम का कुछ नहीं रह जाएगा। हम लोग रहेंगे लेकिन सब कुछ खत्म हो जाएगा। दूसरा जो है कि बात मैं करना चाहता हूं, दूसरा आर्थिक पर, कि हमें जो है सामाजिक में जो बुराइयां हैं उसको ठीक करना है। गैंग के नाम से बहुत लोगों को मारते हैं, उसको आप जानते हो, उसको ठीक करिए। लेकिन दूसरा जो इलाका है हमारा आर्थिक, इसको समझना बहुत जरूरी है। क्यों समझना बहुत जरूरी है? क्योंकि आने वाले समय कहने का मतलब बहुत ज्यादा दूर नहीं, अगला 25-30 साल में समाज में, आदिवासी समाज में बहुत जबरदस्त क्राइसिस आने वाला है। आप जान लीजिए, आर्थिक संकट आने वाला है। क्यों आर्थिक संकट आने वाला है? कि हम लोग गांव से शहर को आ गए, शहर में बिल्डिंग बना लिया, अभी नौकरी कर रहे हैं। लेकिन आपको याद होगा सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण को खत्म कर दिया। मालूम है कि नहीं मालूम है? नहीं मालूम है? कितने लोगों को मालूम है कि सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण को खत्म कर दिया? हाथ उठाइए। काफी लोगों को मालूम है, फिर भी मैं देख रहा हूं कि कहीं कोई शोरगुल नहीं है। क्या इसके लिए भी गांव के लोग आपके लिए लड़ाई लड़ने आएंगे? आरक्षण किसको मिलता है? आप जो शहर में है आपके बेटे बेटियों को मिलेगा ना। गांव वाले अपनी जंगल जमीन नदी पानी बचाने के लिए लड़ रहे हैं, आप चाहते हैं कि आरक्षण की लड़ाई भी वही लड़े और आप मजा मारेंगे? ऐसे कैसे हो सकता है? आप सोचिए, ये कोई मजाक नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट में स्पष्ट कर दिया कि आरक्षण मौलिक अधिकार नहीं है। पहले आरक्षण मौलिक अधिकार था। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि ये मानववादी लोग, ब्राह्मणवादी लोग आदिवासियों को, दलितों को अपना गुलाम बनाना चाहते हैं। वो बर्दाश्त नहीं कर सकते कि आदिवासी बड़ा बड़ा कुर्सी पर बैठे, इसलिए वो आरक्षण खत्म कर रहे हैं। अब सुप्रीम कोर्ट का आदेश क्या बोल रहा है? अब आरक्षण देना सरकार की मर्जी पर है। भारत सरकार बोलेगी कि हम आरक्षण नहीं देंगे, आप कहीं नहीं जा सकते क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दे दिया। राज्य सरकार बोलेगी हम बिना आरक्षण का जो है कि सबका नियुक्ति करेंगे, आपको ये जनरल कोटा में जाना पड़ेगा। क्या जनरल कोटा से हमारे बच्चे निकल पाएंगे? आप बताइए, नौकरी मिलेगा उनको? खत्म हो गया। अब एक ही रास्ता बचा है, अगर पूरे देश में हंगामा होगा तो केंद्र सरकार कानून बना के उसको ठीक कर सकती है, दूसरा कोई रास्ता नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने खत्म कर दिया तो अगला 20-25 साल में आप देखिएगा शहर में रहने वाले आपके अधिकांश बच्चे जो आए बेरोजगार हो जाएंगे, उनको नौकरी नहीं मिलेगी, क्या करेंगे? यही सवाल है। इस क्राइसिस को क्या करके आप खत्म करेंगे, कैसे ठीक करेंगे, उस पर मैं आऊंगा। लेकिन दूसरा संकट हमारे पास यह है कि जो पैसा है उसको भी हम लोग उपयोग करने नहीं जान रहे हैं। क्या आप साल भर का बजट बनाते हैं अपने घर का? क्या आपको पता है कि साल भर में आपके घर में कितना खर्च होता है? नहीं पता है। नौकरी करेंगे, अगर माँ बाप दोनों नौकरी करते हैं, आपको पता चलेगा कि साल के अंत में पैसा नहीं बच रहा है। पैसा कहाँ जा रहा है? हमारे पूर्वजों ने इतना अच्छा अच्छा गुण दिया, हम लोग उसको सीखे ही नहीं। उन्होंने क्या बताया? जरूरत के आधार पर जो है कि खर्च करो। जैसे जंगल का उपयोग हम लोग जितना जरूरत है लकड़ी उतना ही लाते हैं ना, इतना अच्छा अच्छा बताया, अपना जरूरत को कम कीजिए। आज आप क्या कर रहे हैं? आपका अगर बच्चा है, एक लड़का है या एक बेटी है, जो भी बोला मैट्रिक पास कर गया, अगर उसको महंगा से महंगा गाड़ी चाहिए, महंगा से महंगा गाड़ी दे रहे हैं, क्या उसकी जरूरत है उतनी महंगी गाड़ी? रांची का बड़ा से बड़ा महंगा शोरूम में आप जाइए, आप पता कीजिए कि सबसे ज्यादा महंगा बाइक खरीदने वाले कौन लोग हैं, वो बताएंगे आदिवासी लोग हैं। बाप, इतना पैसा आपके पास आ गया? आप में से बहुत सारे माँ कह सकती है मेरा तो एक ही बेटा है, एक ही बेटी है, नहीं खरीदते हैं तो बोलेंगे हम पंखा में लटक के मर जाएंगे या कहीं कूद जाएंगे। तो मैं कहता हूं आप नहीं खरीदेंगे तो पंखा में लटकेगा या डैम में डूबेगा, खरीदेंगे तो रोड पर मरेगा। और वो मरने के लिए पैदा हुआ किया आपने? आपने समझाया नहीं ठीक उनको? बोलने पर बात अच्छा नहीं लगता है लेकिन हकीकत यही है। आपने बचपन से
उसका जीत को स्वीकार कर लिया। एक बार रो गया, एक बार लेट गया, आपने उसको कहा लो, वो जान गया आपकी कमजोरी। हमारे माताओं के जैसे फादर गोडियन ने कहा कि आप बहुत प्यार करते हैं लेकिन सावधान रहिए, आप इतने इमोशनल हो जाते हैं, आप इमोशन को कंट्रोल नहीं करेंगे। मैं आपको कह रहा हूं आपके बच्चे आपको इमोशनल ब्लैकमेलिंग कर रहे हैं। आज देखिए क्या कर रहे हैं वो लोग। बहुत सारी लड़कियों को मैं बात करते सुनता हूं, वो लोग जिनका जिनका घर आदिवासी लड़कों से दोस्ती है, वो कहते हैं मेरी माँ तो, मैंने खुद उनको बताया, वो विश्वास नहीं करते, बोलते कि ये तो जलता इसलिए बोल रहा है। इतना अगर आप इमोशनल रहेंगे तो आपका बाल बच्चा आपका ब्लैकमेलिंग करेगा कि नहीं करेगा? आपको बच्चा से ठीक करना है। मैं जानता हूं आपने उसको 9 महीना कोख में रखा, आपको दर्द होगा, अब उसको क्षमा भी करेंगे, लेकिन यदि आज अगर आप ठीक नहीं कर रहे हैं, याद रखिए आप उसका भविष्य खराब करने का जिम्मेवार आप ही है। तो आप पर दायित्व होता है कि आप कैसे समाज बनाएंगे, कैसे ठीक करेंगे। तो वही जब आर्थिक चीज की बात हम करते हैं, हम फिजूल में उनको दे रहे हैं, अनगिनत पैसा खर्च कर रहे हैं। यदि आपने इस पैसे को नहीं बचाया, अपने आय का स्रोत नहीं बढ़ाया, तो आने वाले समय में हम बच नहीं पाएंगे। तीसरी बात इसी में आर्थिक में यह समझना है कि एक इलाका हमें खोजना पड़ेगा, जो आर्थिक चुनौती आ रहा है उसको ठीक करने का कौन सा इलाका है? बाजार का इलाका, व्यवसाय। हम लोग नहीं जाना चाहते हैं। क्यों नहीं जाना चाहते हैं? क्योंकि हम लोगों ने सरकारी नौकरी का गुलाम बन गया। हम मानसिक रूप से सरकारी नौकरी को ही अच्छा मानते हैं। जब युवाओं से मैं बात करता हूं, हजारीबाग में ऐसे बहुत बड़ा भीड़ था युवाओं का, हजारों हजारों की संख्या में। जब युवाओं से मैंने बात किया, खूंटी में बात किया, रांची में भी युवा लोग कहते हैं हमारे माँ बाप चाहते हैं कि हम सरकारी नौकरी करें, व्यवसाय में ना जाए। और एक सच्ची कहा, सच्ची घटना आपको मैं बता रहा हूं। एक रायपुर का लड़का एक रांची की लड़की को पसंद किया। लड़का का जो है वो बहुत बड़ा गैस का एजेंसी था। जब वो लड़की का पिताजी के पास आया बात करने के लिए, तो उसका पिताजी ने पूछा कि क्या करते हो? उसने कहा गैस एजेंसी है। कितना कमाते हो? मिनिमम 1 लाख नहीं तो 2 लाख कमाते हर महीना। पिताजी ने कहा कि पता नहीं तुम्हारा गैस का एजेंसी कब टूट जाए, कौन जानता है, मैं जाके अपनी बेटी को चपरासी को दे दूंगा लेकिन तुमको नहीं दूंगा। ये मानसिकता है हमारी। बहुत जगह पे आप देखिए खुद अब शादी विवाह में कैसे बात करते हैं। हम लोग बात करते हैं लड़का क्या करता है, सरकारी नौकरी करता है, सारे लोग बहुत अच्छा बहुत अच्छा। लड़का अगर खेती करता है तो क्या बोलते हैं, कुछ नहीं करता है। क्या आप पैसा खाएंगे खेती नहीं होगा तो? क्यों ये मानसिकता है कि खेती करने वाला कुछ नहीं करता है? क्यों ऐसा गलत मानसिकता है? लड़की अगर बड़ा नौकरी करती है, लड़का पढ़ा लिखा भी है नौकरी नहीं कर रहा है, तो उसके साथ हम शादी नहीं करेंगे, लेकिन यह है कि गैर आदिवासी ऑटो भी चलाता है तो उसके साथ बेटी दे देंगे, क्या क्यों ऐसा है? सोच में तो बदलाव लाना पड़ेगा ना। हम क्यों अपने बच्चों को व्यवसाय की ओर जाने नहीं देना चाहते? अगर आज से आपने व्यवसाय की ओर तैयार नहीं किया जाने के लिए, तो याद रखिएगा आर्थिक संकट आएगा, हम लोग पार नहीं पाएंगे। उस समय में क्या होगा, आपको मालूम है पूरे दुनिया में जलवायु संकट आ गया है। जलवायु संकट की वजह से क्या हो रहा है, गांव में खेती कम हो रही है, मोहना का फसल नहीं हो पा रहा है, लह और बाकी सारे वनोपज पर उसका असर पड़ रहा है। यदि हम व्यवसाय को नहीं अपनाएंगे अभी से, तो होगा क्या, गांव का गांव शहर की ओर पलायन करेगा और हम शहर में रहने वाले लोग पता नहीं क्या करेंगे, नौकरी नहीं मिलेगी। उस स्थिति के लिए अभी से बच्चों को तैयार कीजिए। याद रखिए पूरा पांचवा अनुसूची इलाका गैर आदिवासी लोग व्यापार कर करके बिल्डिंग ठोक रहा है। सिमडेगा में चले जाइए आप लोग, बहुत लोग सिमडेगा का है मैं जानता हूं। सिमडेगा में कुछ कुछ व्यापारी लोग सिर्फ क्रिसमस के समय में कपड़ा बेच के साल भर के लिए कमा लेता है।
क्या हम लोग 5-6 परिवार मिलकर नहीं कर सकते? हर एक जगह पे क्या हम लोग अपना राशन दुकान नहीं चला सकते? याद कीजिए, हमारे पूर्वज बहुत कम चीजें खरीदते थे। हम ऐसे लोगों के संतान हैं जो लोग अपने लिए तेल भी खुद बनाया, झाड़ू चटाई सब कुछ बनाया। आज क्या कर रहे हैं हम लोग? सब खरीद रहे हैं, अपना बनाया हुआ अच्छा नहीं लगता है, बाजार का प्लास्टिक कुर्सी अच्छा लगता है, प्लास्टिक चटाई अच्छा लगता है। यदि मानसिकता नहीं बदलेगी तो आदिवासी समाज को खत्म होने से कोई रोक नहीं सकता है। तीसरा चीज, मैं जल्दी खत्म कर रहा हूं, तीसरा चीज शैक्षणिक स्तर पर भी थोड़ा बात करना चाहिए, उसमें ज्यादा नहीं जाऊंगा। लेकिन देखिए, आप टेस्ट करिए कि हमारे बच्चों की शैक्षणिक स्तर क्यों नहीं बढ़ रही है, क्यों हमारे बच्चे बोल नहीं पाते हैं, क्यों मुंह उनका नहीं खुलता है, क्यों लॉजिकली बात नहीं करते हैं? वो इसलिए नहीं करते हैं कि हमारे समाज में बौद्धिकता आई ही नहीं है। हम लोग करते हैं परीक्षा पास होने के लिए, हम लोग करते हैं नौकरी लेने के लिए, नौकरी मिल गया उसके बाद पढ़ाई नहीं करना है, अभी आपको पढ़ना पड़ेगा। इसलिए मेरे जैसे लोग निरंतर किताबें लिख रहे हैं। मैं इसको कहता हूं, आदिवासी समाज में बौद्धिक क्रांति आना जरूरी है। बौद्धिक क्रांति का मतलब है पढ़ना, लिखना, सवाल करना। भारत सरकार आपके खिलाफ अन्याय कर रही है, अगर झारखंड सरकार आपके खिलाफ अन्याय कर रही है, आप सवाल नहीं उठा सकते हैं, तो आपके शिक्षा पर सवाल होना चाहिए। आपका शिक्षा सही नहीं है, इसीलिए आपके दिमाग में सवाल नहीं आ रहा है। आप अगर अन्याय का प्रतिकार नहीं कर पा रहे हैं, तो आपका पढ़ना लिखना, आपके पास डिग्री होना, उसका कोई वैल्यू नहीं है। आपके पड़ोसी में, अगल बगल में लोग भूखे हैं, अगल बगल में अन्याय हो रहा है, आप उसके लिए खड़ा नहीं हो सकते हैं, तो आपका जो है कि पढ़ा लिखा होना सिर्फ नहीं बोलूंगा, आपका ईसाई होना भी कोई मतलब नहीं है। क्यों ऐसा मैं कह रहा हूं? आपको मैं याद दिलाना चाहूंगा, यीशु ख्रीस्त जिस पर हम लोग विश्वास करते हैं, सबसे ज्यादा दुनिया में अगर प्रतिकार किया तो उन्होंने किया, रोमी साम्राज्य को खींच के पूरा साम्राज्य को तहस नहस कर दिया। इतना बड़ा प्रतिकार किया जिसका हम लोग जाके विश्वास करते हैं जिन पर। लेकिन हम क्या कर रहे हैं? महात्मा गांधी किस भरोसे पर उसने जो है कि इतना ज्यादा सत अहिंसा के मार्ग पर चला, आपको मालूम है? यीशु ख्रीस्त को देख के वो ये सोचा कि बाप रे, यीशु ख्रीस्त एक आदमी होके इतना मार खा सकता है, इतना सह सकता है, तो हम क्यों नहीं कर सकते? सोचिए, क्या हम, जैसे फादर ने कहा, क्या हमारा आदर्श है, हम किस ओर जा सकते हैं? गाना में भी गाई हमारा दीदी ने, कितना अच्छा। तो हम अगर प्रतिकार नहीं करते हैं तो क्या हम शिक्षा ले रहे हैं? चौथा चीज जो है वो राजनीति, आप जानते हैं इस पर ज्यादा नहीं, चूंकि एक सिस्टर ने कहा था मुझे कि जरूर इस बात को आप रखिए, तो मैं कुछ 2-3 लाइन में रख रहा हूं। सिर्फ वोट देने से बात नहीं बनेगी। आज हमारे फेवर में सरकार है, इस सरकार को हम अपने मुद्दों पर काम कराएं। अगर हम नहीं जाएंगे, सरकार अपने से काम नहीं कर सकती है। ठीक उसी तरह आप जानते हैं, बच्चा जब तक नहीं रोता आप उसको दूध नहीं खिलाती है या खाना नहीं खिलाती है। हमें भी सरकार को आवाज उठाना पड़ेगा, सजग करना पड़ेगा। और दूसरा महत्वपूर्ण सवाल है कि हम सिर्फ वोट देते हैं, महिलाओं का मैं बात कर रहा हूं, आप में से कितने लोग हैं जो लीडरशिप में जाएंगे? मैं इतने दिन से इतने बड़े बड़े सवालों को खड़ा करता हूं, लेकिन आप जैसे लोग अगर हाउस में नहीं जाएंगे तो सवाल कौन उठाएगा? सिर्फ एक चीज देखिए, हमारे लिए कानून है, कहता है आदिवासी का जमीन गैर आदिवासी नहीं ले सकता है। ना सिर्फ झारखंड में, पूरे देश के 5 अनुसूचित इलाकों में ऐसे कानून है। लेकिन सारा जगह आप देखिए, घर आदिवासियों का, इमारत आदिवासियों की जमीन पर बन रही है, लगातार वो आदिवासी इलाके में घुस रहे हैं। हमारे बाबा पिताजी लोग को दारू वारू पिला के जमीन ले लेते हैं। ये सब मुद्दे पर हमारा एमपी एमएलए आवाज नहीं उठाता है। इसलिए आप जैसे सजग लोगों को सोचना चाहिए, आप क्यों समाज का प्रतिनिधित्व नहीं कर सकते हैं? आप कर सकते हैं,
आपको कौन रोक रहा है? उन सब चीजों को देखना चाहिए, उन तत्वों को पहचानना चाहिए। अगर आप सभी लोग मिलेंगे तो इतना बड़ा भीड़ है, फैल जाएंगे, तो आपको जो है कि वहां आवाज उठाने से कोई नहीं रोक सकता। उस दिशा में सोचना चाहिए। और अंतिम जो है सांस्कृतिक और भाषा के सवाल पर मैं कहकर अपनी बात खत्म कर रहा हूं कि आज हमें सोचना है, और खासकर आप माताओं की भूमिका इसमें। आपके पास एक बड़ा सवाल रखना मैं चाहता हूं, क्या ऐसा हो गया आदिवासी समाज को कि वो अपनी भाषा संस्कृति सबको छोड़ रहा है? आप में से कितने लोग हैं जो अपनी भाषा जानते हैं, हाथ उठाइए। और आप में से कितने लोग हैं जो अपनी भाषा उनको अपने बेटा बेटियों को सिखाया हो, भी हाथ उठाइए। क्यों नहीं सिखाया? मैं सरकार में आऊंगा तो आप सब लोग को फांसी चढ़ाने वाला कानून बना दूंगा कि जो जो अपनी भाषा जानते हैं लेकिन बच्चों को नहीं सिखाया, सबको फांसी दो। सही होगा कि नहीं होगा, बताइए। आपने अपने, जब मैं यही बात युवाओं के साथ बात करता हूं, भाई कुलदीप भाई, हम लोगों ने बहुत सम्मेलन में बच्चों को, युवाओं को हाथ उठाया, उनसे पूछा कि आप अपनी भाषा क्यों नहीं जानते हैं, वो कहते हैं कि हमारे माँ बाप ने सिखाया नहीं, हम क्या करेंगे, आपकी गलती है। आपने क्यों नहीं सिखाया? क्या क्योंकि गैर आदिवासियों ने आपको कहा कि आदिवासी जो है अनपढ़, गंवार, पिछला, जाहिल है? मैं याद करता हूं रांची भिखारी एक प्रोग्राम था दरियातू में, उस समय में इसी तरह बहुत सारी महिलाओं ने हाथ उठाया था। मैंने उनको कारण पूछा तो कुछ महिलाओं ने इस बात को बताया, आपने से याद भी होगा, किसी ने कहा होगा तो, कि हम इसीलिए नहीं सिखाए कि आदिवासी होना पिछड़ा होना है, आदिवासी भाषा तो पिछड़ा लोग, जाहिल लोग का भाषा है, इसलिए हम अपने बच्चों को नहीं सिखाए, हम अपने बच्चों को जाहिल बनाना नहीं चाहते हैं, यही सोच कर नहीं सिखाए। जो हुआ सो हुआ, लेकिन याद रखिए, आप अगर अपने बच्चों को नहीं सिखाएंगे तो कोई नहीं सिखाएगा। आप सिंपल से देखिए, आप अपने बच्चों के लिए घर में खाना बनाने के लिए, पानी देने के लिए एक रख दिया किसी को, वही शुरू से पानी दे रही है, कोई मेहमान आ गया उसको वही पानी दिया, आपके बच्चे जो है कि संस्कृति कैसे सीखेंगे? गांव में जाता हूं तो बहुत ध्यान से सुन लीजिए, गांव में जाता हूं, महिलाओं को मैं पूछता हूं कि आपके रिश्तेदार जो रांची में बिल्डिंग बनाया, गाड़ी बनाया, बैंक बैलेंस बनाया, वो जब आपके पास आते हैं मेहमान साल में एक बार दो बार, क्या आप करते हैं? वो कहते हैं हम उनका पैर धोते हैं, हम उनका सेवा सत्कार करते हैं, हम उनको अच्छा से अच्छा खाना खिलाते हैं, अगर देसी मुर्गी है, मुर्गा है, तो उसको कभी कभी खस्सी भी काट देते हैं उनके, ये साल में एक बार आए हैं कह के। तो मैं उनको दूसरा सवाल पूछता हूँ, जब आप उनके घर जाते हैं शहर में, तब वो क्या को इसी तरह आपके साथ व्यवहार करते हैं? वो कहते हैं नहीं, वो तो पानी दे दिए तो बहुत हो गया, वो ये भी चाहते हैं कि गंवार आदमी, गांव गंवार, हमारा महिला गांव से आई है, जल्दी गांव वापस जाए तो अच्छा है। क्या आप लोग ऐसे व्यवहार करते हैं? सोच लीजिए, गांव में जो हमारा अपना रिश्तेदार, दूसरों को छोड़िए, हमारा अपना रिश्तेदार जो रहता है उसके साथ हमने ऐसा व्यवहार किया है, क्या यीशु ख्रीस्त हमें क्षमा करेगा? क्या आपको स्वर्ग मिलेगा? सोचना पड़ेगा। और हम ऐसे समाज से आते हैं, आदिवासी समाज, जहां पे समानता, गांव में जाइए, एक परिवार अगर नौकरी करता है, गांव में ही रहता है, तो वो गांव का सबसे गरीब आदमी के घर में जाएगा शादी में, उसको अपने घर में बुलाएगा, उसके साथ खेती में हल जोतने जाएगा, रोपा रोपेगा, इतना मेल प्रेम, वहां कोई सोच नहीं है मैं अमीर हूं, मैं गरीब हूं, मैं छोटा हूं, बड़ा हूं। जब हम गांव से शहर आ जाते हैं तो ये अमीर गरीब, ऊंचा नीचा, छोटा बड़ा कैसे आ जाता हमारे दिमाग में? ये सारा कुछ गैर आदिवासियों का देन है। इसलिए मैं कहता हूं, जिस दिन आपके दिमाग में आ गया मैं बड़ा हूं, मैं अच्छा हूं, मैं सब हूं, ये लोग अनपढ़ जंगली गंवार है वगैरह वगैरह,
समझ लीजिए आदिवासी आपके यहां से मर गया, आप आदिवासी नहीं रह गए हैं, आप सिर्फ और सिर्फ आदिवासी इसलिए हैं कि आपको आदिवासी जमीन चाहिए, आपको आदिवासी का नौकरी चाहिए। यदि आपका ऐसा व्यवहार है तो आरक्षण आपको क्यों मिलना चाहिए? ये आप और हम एक एक लोगों को इन सारे सवालों का जवाब देना चाहिए। यदि हम अपनी भाषा संस्कृति नहीं जानते हैं तो हमें क्या हक है आदिवासी का नौकरी लेने का, हमें क्या हक है आदिवासी का जमीन लेने का, हमें क्या हक है आदिवासी का लाने का? यदि इन सवालों का अगर उत्तर आप नहीं देंगे तो आने वाला समय हमारा बहुत कठिन का होगा। और मैं उम्मीद करता हूं और यही आपकी भूमिका है, जितने सवाल मैंने उठाए आप माता जितने भी हैं जवाब ढूंढिए। मैंने शुरू में ही कहा यदि आपने एक जुटता के साथ कदम बढ़ा लिया, ताकत नहीं है आपको कोई रोक सकता है, आपको लगता है कि नहीं लगता है? खाली आपको एक साथ आने का, जितना समस्या पर मैंने बात किया, जितना मुद्दा पर बात किया, एक बात सोचिए क्या आपको करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, समाज को बचाना है कि नहीं बचाना है। मैंने जो बातें की आपको चोट लग सकता है, लेकिन मैंने अपने जीवन में सीखा है यदि आप किसी को बदलना चाहते हो ताकत से साथ उस व्यक्ति को उस बात को बोलो, वो व्यक्ति बदल जाएगा। सोचिएगा उस समय में उसको बहुत बुरा लग सकता है, गाली भी दे सकता है, लेकिन वापस जाके वो सोचेगा, वो बदलाव लाएगा। मैं इसीलिए जिस मंच में भी जाता हूं मैं अपनी बात पूरी ताकत के साथ कहता हूं, और आप जितने माताएं हैं मैं कृतज्ञता प्रकट करता हूं कि आप हमेशा सुनते हैं।